एटा और कासगंज से आगरा की तरफ चलने वाली रोडवेज के रंग में रंगी प्राइवेट बसों के खिलाफ आज एसडीएम कुंडला डॉक्टर बिस्रा बानो ने चेकिंग अभियान चलाया। सुभाष चौराहा पर एसडीएम ने खड़े होकर इस प्रकार की बसों को रुकवाया और उनके कागजों की भी जांच की। इसके साथ ही एक बस को सीज करने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए। एसडीएम ने बताया कि प्राइवेट बसों को रोडवेज बस के रंग में रंगकर कुछ लोग यात्रियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर आज बसों की चेकिंग की गई है। मैडम, आज कुंडला में जिस तरीके से ये प्राइवेट बस ये चल रही है, इस पे आप जो संज्ञान लिया, क्या कहना चाहती हैं मैडम? कुछ दिन पहले से मेरे पास खबर आ रही है कि कुंडला में कुछ बसेस प्राइवेट होती है, लेकिन वो सरकारी बसों के जैसा कलर करवाकर चल रही है। तो एक ये बस है UP 82-1264 है, क्या है, क्योंकि इसने अपना फॉल्टी नंबर प्लेट भी लगा के रखी हुई है और है ये प्राइवेट बस और इसने सरकारी बस जैसी चल रही है उनकी तरह कलर करवा रखा है। तो परिवहन विभाग के द्वारा इसे रोका गया है और इसको दोनों साथ में वो सीज कर रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से ये काफ़ी बसें हैं, एक बस आपने आज चालान करके सीज करके उसको बंद करा दिया है, और जो बाकी बसें चल रही हैं उस पर क्या मैडम संज्ञान लिया जाएगा? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।